हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2022 से रिलेटेड एक लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस अपडेट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको फॉलो करने का भी प्रयास करिएगा, नहीं तो हो सकता है यूपी स्कॉलरशिप 2022 का लाभ आपको ना मिल पाए। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली हमारे यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी आप सभी लोग ना तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाए हैं, ना ही आप अपने पुराने फॉर्म को रिन्यूअल कर पाए हैं। तो आगे चल के जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा और जो हमारे इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जब रिजल्ट आ जाएगा, तो वो सभी लोग अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो फॉर्म को पिछले साल भर चुके हैं वो अपने फॉर्म को क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एक सामने प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन क्या है, मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा स्कॉलरशिप का, तो आपने उसमें देखा होगा कि आपका आधार नंबर मांगता है, आपका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी लगती हैं, ये पुरानी चीज़ें सबको पता है, सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन अब की बार वहाँ पर जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसमें एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो राशन कार्ड होता है उसका नंबर वहाँ पर फिल करने के लिए कह रहा है। मीन्स आप जब अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे या अपने प्रीवियस ईयर का जो फॉर्म है जब आप लोग उसको क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, तो उस सिचुएशन में एक ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, वह ऑप्शन नेसेसरी होगा फिल करना। आप देखते हैं जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप नहीं भी फिल करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है इसको फिल करना ज़रूरी होगा। वहाँ पर फिल क्या करना होगा, आपको अपने राशन कार्ड का नंबर, या वहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है जो है आपका जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपके राशन कार्ड का नंबर, वही आप सभी लोग फिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका राशन कार्ड हो, आपका मतलब आपके फैमिली का, लेकिन उसमें आपका नाम होना चाहिए। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जैसे कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी कहेंगे, सर कि मेरा राशन कार्ड थोड़ी ना बना है, अभी मेरे मम्मी के या मेरे पापा के नाम से राशन कार्ड, वैसे महिलाओं के नाम से राशन कार्ड है तो आपकी मम्मी के नाम से राशन कार्ड होगा, जिसके भी नाम से राशन कार्ड है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर उस राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो आप सभी लोगों को उस राशन कार्ड में अपना नाम मेंशन करा लेना है। जैसा कि अभी एक बार स्टार्ट हुआ था कि जिनका राशन कार्ड इलीगल था उनको सरेंडर करना था, तमाम बातें हो रही थी, और जो लोग राशन कार्ड का लाभ नहीं लेते हैं जल्दी वो लोग को उठा करके किनारे रख देते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको समय समय पर अपडेट भी नहीं कराते हैं। तो हो सकता है कि आपका राशन कार्ड जो आपके घर पे बना हो वो बहुत पुराना हो और उसमें आपका नाम मेंशन ना हो, तो उस सिचुएशन में जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे या अपने पुराने फॉर्म को रिन्यूअल करने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर आपके राशन कार्ड का नंबर वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, तो फिल करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका राशन कार्ड हो। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर आपके पास आपका राशन कार्ड नहीं है तो आपका मतलब समझ रहे ना, आपके गार्जियन का आपके घर में राशन कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका नंबर, आपका नाम होना चाहिए और वही नंबर वहां पर फिल करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है डियर स्टूडेंट। पिछले दो वर्षों से एक अपडेट और आई थी, आई होप आप सभी लोगों को ये पता होगी, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये खासकर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म पहली बार भरेंगे, खासकर पॉलिटेक्निक में। उसमें डियर स्टूडेंट्स एक रूल आया था कि आपका जो आधार नंबर है उसमें, या आप कह सकते हैं आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका आधार आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो देखो अभी नया जो आया है वो राशन कार्ड वाला आया है, वो मैं आपको समझा दिया, उसको आप सभी लोग कर पाएंगे और आप देख लेंगे, जैसे भी कुछ अगर किसी प्रकार की और समस्या, किसी प्रकार का डाउट आएगा, आपके राशन कार्ड खो गया है या कोई समस्या, आप राशन कार्ड नंबर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका भी तरीका होता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी अपडेट ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो आधार है उस आधार से आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो आधार है वो बैंक में भी लिंक होना चाहिए। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आधार बैंक में ना लिंक होने के कारण उनकी स्कॉलरशिप वहीं से रिजेक्ट हो गई है और अभी तक नहीं आई है। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे, आप देख लेंगे कि आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, जो मोबाइल रजिस्टर्ड है नंबर उसी को आप लोग कॉलेज में यूज करेंगे तो बेटर होगा,
और उसके साथ साथ आप जिस बैंक को बैंक का अकाउंट वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए देंगे उस बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर भी लिंक होना चाहिए। कैसे लिंक होता है सर? अगर आपने वहाँ पर आधार जो है जमा किया होगा तो लिंक होगा, नहीं तो आप किसी भी जाएंगे जन सुविधा केंद्र जहाँ पर पैसा निकलता है, अगर आपका बैंक में आपका आधार लिंक है तो आप बायोमेट्रिक की हेल्प से केवल अपने आधार नंबर से अपना पैसा निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें, एक आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, दूसरा आपका आधार जो है वो आपके बैंक में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अगली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपके पास अपना राशन कार्ड अर्थात आपके गार्जियन का राशन कार्ड हो और उस राशन कार्ड में आपका नाम जरूर से जरूर हो। ये यूपी स्कॉलरशिप 2022 की डिमांड है और इसको अगर आप लोग कंप्लीट करेंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप सामान फैमिली से भी अगर बिलोंग करते हैं, समय पे आपकी स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। इसलिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप किसी प्रकार की कोई असावधानी न बरतें जिससे आप सभी लोगों की स्कॉलरशिप आए और उस प्रॉपर तरीके से आप उसका लाभ उठा सकें। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करेगा। जितनी बातें कहें उनको ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग कर लीजिएगा। अगली बार डियर स्टूडेंट्स आपको यह बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ थर्ड दोनों की क्लास आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराई जाएंगी। अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की है जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप सभी लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पर भी अपना एक चैनल है जिसका नाम डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको वहां सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको लाभ क्या होगा, अगर आपके पास किसी बुक की पीडीएफ नहीं है तो उस बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी एग्जाम के टाइम मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं, वो सीरीज आप सभी लोगों को उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसे तमाम अपडेट्स आप सभी लोगों को वहां पर मिलती रहेंगी। क्लास से रिलेटेड कोई अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम पर ही पोस्ट करके प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं अपने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट से एक अपील जरूर से जरूर करना चाहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, सुबह 7 बजे अप्लाइड थर्ड की क्लास रेगुलर चल रही है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे आप सभी लोग पीछे होते चले जाएंगे और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी इस वीडियो को हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले अर्थात वो बच्चे जो काउंसलिंग करा करके फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएंगे, जिससे मैं आप सभी लोगों की क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं और आपकी भी प्रिपरेशन मैं बेहतर तरीके से करा सकूं। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते।